पेट्रोल की महंगाई से जूझ रहे देश के लिए राहत की खबर है। जल्द ही पेट्रोल की कीमत पूरे देश में एक समान होने जा रही है। दरअसल पेट्रोल पर अब तक जो वैट लिया जा रहा था वो पूरे देश में जल्द ही एक समान हो सकता है और इसके लिए केंद्र की राज्यों से बात हो रही है जिससे कीमतों को नीचे लाया जा सके। यानी थोड़े दिनों बाद वन नेशन वन रेट की तरह पेट्रोल पूरे देश में एक दाम पर मिलेगा, लेकिन अभी इसमें कई पेच हैं। सवाल यह है कि क्या राज्य इसके लिए तैयार होंगे, क्या इससे कंज्यूमर्स को राहत मिलेगी। पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों से देश में हाहाकार मचा हुआ है। दूसरी ओर केंद्र और राज्य सरकारें रेवेन्यू के लिए जरूरत से ज्यादा पेट्रोल डीजल पर निर्भर हो गई हैं। बिना किसी खर्चे के भारी भरकम कमाई की वजह से राज्यों ने पेट्रोलियम प्रोडक्ट को जीएसटी के अंदर लाने नहीं दिया। पर सवाल ये है कि आम कंज्यूमर को राहत कैसे मिलेगी। सूत्रों की माने तो इंडस्ट्री के इनपुट कॉस्ट को कम करने के लिए राज्य सरकारें नेचुरल गैस पर वैट को 5% पर फिक्स करने पर सहमत हो गई है। इससे ये उम्मीद बनी है कि दूसरे फ्यूल पर वैट यूनिफॉर्मिटी के लिए भी राज्य तैयार हो जाएंगे और धीरे धीरे ये पेट्रोल डीजल की रिटेल प्राइसेस पर भी असर डालेंगी। जानकार मानते हैं कि वैट में यूनिफॉर्मिटी से भले कुछ राज्यों को नुकसान होगा पर इसका फायदा रिटेल प्राइस को कम करने में मिलेगा। अगर वैट को 25-27% पर फिक्स करने पर राज्य तैयार हो जाते हैं तो काफी फर्क आएगा। मसलन महाराष्ट्र में पेट्रोल पर 47% टैक्स है, तमिलनाडु में 34%, केरल में 34%। दूसरी ओर हरियाणा, यूपी और दिल्ली जैसे तमाम राज्य हैं जिनकी आय पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वैट 26-27% की रेंज में है। पर इसके लिए केंद्र को एक्साइज ड्यूटी भी कम करनी होगी क्योंकि कैलकुलेशन का आधार एक्साइज को ही बनाया जाता है। प्रॉब्लम यह है कि डीजल और पेट्रोल का वाट में भी डिफरेंस, एक्साइज रेट में भी डिफरेंस है और वैट रेट्स में डिफरेंस है। तो डीजल और पेट्रोल का डिफरेंस प्राइसेस डिफरेंट कंज्यूमर के लिए काफी बढ़ जाता है एंड काफी डिस्टॉर्शंस होता है। हालांकि जानकार ये भी मानते हैं कि वैट में यूनिफॉर्मिटी से ब्लैक मार्केटिंग भी रुकेगी क्योंकि इंडस्ट्री के लिए अलग और रिटेल मार्केट के लिए प्राइस अलग रखना मुश्किल है। पर सवाल ये भी उठता है कि जब रेवेन्यू कमाना ही जरिया है फिर राज्य तो कई हथकंडे अपनाएंगे, मसलन पॉल्यूशन सेस। जी हाँ, कई राज्य पॉल्यूशन सेस भी लगा रहे हैं। महाराष्ट्र में पेट्रोल पर प्रति लीटर 9 रुपए का पॉल्यूशन सेस है, दिल्ली में वैट के अलावा प्रति लीटर 25 पैसे सेस अलग से है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या जीएसटी ही आखिरी रास्ता है। जीएसटी में आने से कितने कम होंगे पेट्रोल डीजल के दाम। पेट्रोल डीजल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी से परेशान आम आदमी को क्या जीएसटी से ही राहत मिल सकती है, क्योंकि अपने टैक्स कम करने को ना राज्य तैयार है और ना ही केंद्र। पर सवाल उठता है कि अगर पेट्रोल डीजल जीएसटी के अंदर आ जाए तो प्रति लीटर के हिसाब से दाम कितने कम होंगे। इस समय पेट्रोल पर करीब 100% का टैक्स है। अगर रिफाइनिंग कॉस्ट के बाद पेट्रोल की कीमत 30 रुपए भी मान लें तो दिल्ली में इसकी रिटेल कीमत प्रति लीटर 71 रुपए के करीब है, जिसमें एक्साइज के रूप में केंद्र 21 रुपए लेती है। रिफाइनिंग कॉस्ट और मार्जिन करीब 9 रुपए, बाकी टैक्स वैट के रूप में राज्य लेती है। ऐसे में अगर ये जीएसटी के अंदर आ जाए और राज्यों के रेवेन्यू को देखते हुए 28% के स्लैब में डालकर इस पर 25% का सेस भी लगा दिया जाए तो भी टैक्स के रूप में 50% की बचत है। मतलब अगर 40 रुपए मौजूदा टैक्स है तो ये कम होकर 20 रुपए हो जाएगा और दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 50 रुपए से नीचे आ जाएगी। जैसे जैसे प्राइसेस डाउन हुए तो सरकार ने, जैसे 100 डॉलर से 80 आया, 80 से 70 आया, तो सरकार ने अपनी एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी। तो जैसे एक्साइज ड्यूटी बढ़ी वैसे वैसे वैट बढ़ गया, क्योंकि उतना ही अर्थमेटिक की वर्किंग चलती रहती है। कुछ स्टेट गवर्नमेंट ने अपने वैट के रेट भी बढ़ा लिए। तो आज की डेट का अर्थमेटिक ये कहता है कि आज की डेट में जो पेट्रोलियम की जो प्राइसेस की जो कॉस्ट है, जो उसके अंदर जो कॉस्ट का कंपोनेंट है, वो घट के सरकार को रह गया 35 रुपए का। जीएसटी के प्रावधानों के मुताबिक सरकार राज्य को घाटे की भरपाई 5 साल तक करेगी और इस दौरान रेवेन्यू के दूसरे मीडियम तलाश लिए जाएंगे। जानकार ये भी मानते हैं कि किसी एक कमोडिटी पर रेवेन्यू के लिए इतनी निर्भरता इकोनॉमी के लिए ठीक नहीं है। इसको एड्रेस करने के लिए अब हमारे पास दो साधन हैं, दो तरीके हैं। एक, पहली बात तो इसको जीएसटी का पार्ट बना दिया जाए। जीएसटी का पार्ट बनाने से जितनी भी कॉस्ट एक्साइज की और वैट की जो सेंट्रल और स्टेट लेते हैं वो जीएसटी का नाम से आ जाएगी, और वो अगर आ जाती है तो जो भी इसको कंज्यूम करेगा उसको इनपुट क्रेडिट मिलेगा।
केंद्र सरकार चाहती है कि राज्य इसके लिए तैयार हों, पर सवाल ये भी है कि राज्यों की रजामंदी के लिए इंतजार कब तक किया जाएगा, राज्यों पर दबाव बनाने के विकल्प और क्या हो सकते हैं, या फिर आम कंज्यूमर इसे अपनी नियति मानकर बस टैक्स पर टैक्स चुकाता रहे।